हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बटर नान बनाने वाले हैं, वो भी तावे पर, क्योंकि सबके पास ओवन नहीं होता है, तंदूर नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज इसे हम तावे पर बनाते हैं। बहुत ही इजी है इसे बनाना और इसको हम विदाउट ईस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। दो कप मैदा लिया है, ग्राम में ये 250 ग्राम है। आप इसके जगह एक कप मैदा और एक कप आटा भी ले सकते हैं। 100 ग्राम दही ली है और कप में ये 3/4 कप है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगी, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून नमक, पानी, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगी। यहाँ मैंने धनिया और बटर लिया है नान पर लगाने के लिए, तो थोड़ी सी धनिया और थोड़ा सा बटर लिया है। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में मैदे को डालेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे, नमक, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को 1 टीस्पून लेना है ऊपर से बिल्कुल फ्लैट करके। अब इसमें दही डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो तैयार करेंगे। डो हमको सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा गीला डो चाहिए। इस तरह देखिए, ये गीला डो है बिल्कुल। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ हमारा डो बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल सॉफ्ट डो सना है, बहुत सॉफ्ट है। तो इस आटे को हम बाउल में रख देंगे और इसको ढक देंगे और 2 से 3 घंटा फर्मेंट होने देंगे। नान का आटा लिया है, मैदा लिया है परथन के लिए। तावे को मैंने गैस पे रखा है, गैस की फ्लेम हमारी लो मीडियम है, इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। धनिया को मैंने बटर में डाल दिया है, इन दोनों को अच्छे से मिला देते हैं। तो ये तैयार है। अब हम हाथ पर हल्का सा मैदा लगाएंगे, जिससे हमारा जो डो है वो हाथ पे चिपके ना। और हम डो को निकाल लेते हैं इसको। अब इस डो की हम लोई बनाएंगे। हमको बड़ी लोई बनानी है, छोटी नहीं बनानी है। और सभी लोई को एक बराबर काटेंगे। अब एक लोई लेंगे, थोड़ा सा परथन लगाएंगे हाथ पर और अंदर की ओर इसे फोल्ड करते हुए एक चिकनी बॉल बना लेंगे। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दें तो ये देखिए तैयार है। इसी तरह हम सभी को कर लेंगे। अंदर की फोल्ड करना है चारों तरफ से और उसके बाद इसकी चिकनी बॉल बनानी है और उसके बाद इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। यहाँ मैंने एक लोई ली है और पानी लिया है नान पर लगाने के लिए। अब मैंने परथन लगाया है लोई पे। अब इसे हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं, पर इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। रोटी पतली होती है पर नान हल्का सा मोटा होता है। इसे आप गोल बेल सकते हैं, ओवल शेप में बेल सकते हैं। आज हम इसे ओवल शेप में बेल रहे हैं। अब इस नान पर एक साइड हम पानी लगाएंगे, पानी को अच्छे से लगाना है चारों तरफ। और जिस साइड हम पानी लगाएंगे उसी साइड को हम तावे पे डालेंगे। इस समय हमारी जो गैस की फ्लेम है वो लो मीडियम है। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे जगह जगह से फूल रहा है। अब हम तावे को पलटेंगे और इस समय मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है,
नान को हमको चारों तरफ से घुमाकर अच्छे से सेकना है और गैस की फ्लेम से इसे हम थोड़ा सा दूरी रखेंगे। अगर पास रखेंगे तो नान हमारी ज़्यादा जल जाएगी। तो ये देखिए हमारी नान तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। और ये पीछे से भी बहुत ही अच्छे से सिक गई है। अब इसके ऊपर हमने जो धनिया और बटर का पेस्ट बनाया था उसे हम लगा देते हैं। आप इसके जगह घी भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे प्लेन नान भी खा सकते हैं। इसी तरह हम सभी नान को बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी नान हमारी बनी है। नान बनाते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखिए कि नान का जो डो हो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, उसको अच्छे से फर्मेंट कर लिए 2 से 3 घंटा, जाड़ों में 4 से 5 घंटा, उसके बाद उसकी आप नान बनाइए। और नान जब बना रहे हो तो गैस की फ्लेम लो मीडियम हो और जब उसे आप सेक रहे हो तो मीडियम हो, तो आपकी नान बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।